உங்களுக்கு தெரியல வேணும் नमस्कार, हम स्वागत करते हैं आपका देवभूमि मेरे न्यूज चैनल में। पुलवामा में हुई आतंकी घटना के बाद पूरे देश में जो गुस्सा है वो हमीरपुर के युवाओं में भी उसी स्तर का है। आज हमीरपुर के जागरूक युवाओं ने गांधी चौक में जो देश हित में नारे लगाए हैं उससे हमीरपुर का गांधी चौक गूंज उठा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम भाई साहब, जानना चाहते हैं आज क्या गुस्सा है आपके दिलों में। देखिए, आज जो यहाँ स्लोगन शॉटिंग की गई है और ये जो शोक सभा पुलवामा के शहीदों के नाम से रखी गई है, इसके अंदर मुख्य तौर पर चार मुद्दों को लेकर हम यहाँ मांग कर रहे हैं। एक, सबसे पहले जो पुलवामा के अंदर लोग शहीद हुए हैं उनको हम जागरूक युवा होने के नाते सच्ची श्रद्धांजलि पेश करते हैं और उनकी शहादत को ये देश हमेशा याद रखेगा, ये प्रॉमिस हम यहाँ से करते हैं। दूसरा, ये जो अर्धसैनिक बल है जो जिसमें CRPF, ITBP और अर्धसैनिक बलों के अंदर आते हैं, अर्धसैनिक बलों को पेंशन की सुविधा नहीं दी जाती है। हमारी इस प्रदर्शन के माध्यम से ये मांग है देश की सरकार से कि अर्धसैनिक बलों को जो है पेंशन की सुविधा दी जाए। तीसरा, आप जानते हैं कि जो अर्धसैनिक बल जो शहीद होते हैं और अपनी जान की कुर्बानी देते हैं, हमारी जो सरकार है वो ऑफिशियल तौर पर उनको शहीद का दर्जा नहीं दे पाती है, उनको शहीद शब्द जो है उनके साथ नहीं जोड़ा जाता है। हम मांग करते हैं जो अर्धसैनिक बल है उनके अंदर जो लोग अपनी जान की कुर्बानी देते हैं उनको भी शहीद का दर्जा दिया जाए। हमीरपुर के गांधी चौक से कैमरा पर्सन नीतीश के साथ मैं राजेश कुमार खन्ना, धन्यवाद।